हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम विद शिवानी। तो हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी और आज है हमारा डे 31। तो पूरा 1 मंथ हो चुका है हमें एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हुए। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देख रहे होंगे अपनी तैयारी में। आपकी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। मैथ्स ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इंग्लिश के 2 से 3 टॉपिक रहते हैं ओनली, और जीएस तो इतनी ज़्यादा वाइड है, खैर कर रहे हैं उसे भी, हम वो भी विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगी। तो देखेंगे आज से क्या टारगेट रहता है एसएससी सीजीएल डे 31 टारगेट। आई होप आप सभी का डे 30 का टारगेट कंप्लीट हो गया होगा। रिवीजन करनी थी जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसकी, तो अब हम आगे चलते हैं रिवीजन के बाद। डे 31 टारगेट, तो आज का मैथ्स का टारगेट है एलिमेंट्री अलजेब्रा 50 क्वेश्चंस। एलिमेंट्री अलजेब्रा जो हमने पहले किया था बेसिक मोड में किया था, अब थोड़े से उससे आगे के और 50 क्वेश्चंस करेंगे हल्के से एडवांस के, क्योंकि क्या होता है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन ही आए एलिमेंट्री अलजेब्रा से। इससे इजी से इजी क्वेश्चन भी बन सकता है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा करना है 50 क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के। देन रीजनिंग में करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीएस में नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में आपको देखने को मिलता ही है। आपको किसी भी नेशनल पार्क का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी स्टेट में है, या फिर ये नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है, किस पेड़ के लिए फेमस है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस एनिमल के लिए फेमस है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। देन इंग्लिश में आज लिए हैं ईडियम्स, 50 ईडियम्स लर्न करने हैं। कोशिश कीजिए ईडियम्स आप वो वाला लर्न करें जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि क्या है काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपकी तैयारी भी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो तो आपको पहले से आता होगा। तो ये रहेगा हमारा आज का टारगेट डे 31 का। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट देंगे और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कमेंट करके। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में डे 32 के टारगेट के साथ। हमारी तैयारी अब बिल्कुल ट्रैक पर है और तैयारी को छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम होने ही वाला है। हमारे पास 2 से 3 महीने हैं सिर्फ, इन 2 से 3 महीनों में हमें ऐसी तैयारी करनी है कि इस बार जो सीजीएल की इतनी ज़्यादा पोस्ट आई है उसका पूरा बेनिफिट हमें मिल जाए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के टारगेट के साथ, डे 32 के टारगेट के साथ। जब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल एम विद शिवानी के साथ। बाय बाय गाइज़।